नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूँ आसिया। झारखंड में चुनावी बिगुल बस बजने वाला है, लेकिन पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। जहां बीजेपी परिवर्तन रैली के जरिए, परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य को साधने की कोशिश में लगी है, तो वहीं मैया समान यात्रा के जरिए एनडी गठबंधन भी चुनावी मैदान में कूदता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जो तीसरा मोर्चा है वो भी पूरे दांव पेच में लगा हुआ है, और वो मोर्चा है जयराम महतो की पार्टी का। और सबसे पहले इस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जयराम महतो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया धनबाद में और 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। डुमरे से खुद जयराम सिंह चुनावी दंगल में कूद रहे हैं, तो इसके अलावा राजमहल से मोतीलाल सरकार होंगे, जमुआ से रोहित कुमार, तमार से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मार्डी और छतरपुर से प्रीतिराज को चुनावी मैदान में उतारने की जयराम महतो ने घोषणा कर दी है। तो ये जो अब 6 सीटें जहां पर जयराम ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की है एक तीसरे विकल्प के रूप में, ये झारखंड की राजनीति में क्या असर आने वाले दिनों में लाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मदन, ये जो 6 प्रत्याशी है, बहुत सोच समझ कर जयराम की पार्टी ने उतारा होगा, खुद डुमरी से वो चुनावी मैदान में कूद रहे, कितना असर इन 6 सीटों पर जयराम की पार्टी का नजर आ रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जयराम जो है वो खुद पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी प्रमुख होने के नाते भी वो पूरे राज्य में अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट का चुनाव कर किए हैं, और ऐसे में सबसे सुरक्षित सीट उन्हें जो है वो डुमरी ही लगा। दरअसल जो लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाया, तो जयराम को सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ही दिया, तो ऐसे में बीच में जयराम महतो अपनी दावेदारी गोमिया से भी बता रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं गोमिया से भी अपना दावेदारी पेश कर सकता हूँ, तो ऐसे में अब यह तय हो गया जब झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के पहली पार्टी के तौर पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली JKLM पार्टी बनी, और सबसे पहले अपने नाम को ही ऊपर रखा जयराम महतो ने, कि कोई कन्फ्यूजन नहीं कि जयराम कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उन्होंने डुमरी को चुना। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जयराम के नाम में भी टाइगर लगा है, और पूर्व मंत्री और वहां के कई बार के विधायक रहे जगन्नाथ महतो भी टाइगर के नाम उपाधि से जाने जाते थे, तो ऐसे में अब एक टाइगर गया तो दूसरा टाइगर वहां सामने आया है। हमने इस सवाल का भी जवाब अभी फिलहाल लिया जयराम से, तो उन्होंने कहा कि उस मिट्टी से ऐसा एक महक है कि वहां जो सेवा के भावना से अगर आता है तो लोग उसे उन्हें जो है प्यार से टाइगर कहते हैं, और यही उपाधि जो है अब उन्हें मिलने वाला है। यानी अपनी जीत को लेकर अभी से ही आश्वस्त हैं जयराम। रंजन जी, डुमरी गिरिडीह से भी लोकसभा चुनाव लड़ा था जयराम ने, अब डुमरी पर उनकी नजर है, और इससे पहले उन्होंने जब उपचुनाव हुए थे, जब जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, उसके बाद उनका सम्मान करते हुए यहाँ से प्रत्याशी नहीं देने की जयराम ने बात कही, लेकिन अब वो खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो ये अब मौजूदा जो मंत्री हैं बेबी देवी, उनके लिए कितनी मुश्किलें उस इलाके में हो सकती हैं? या निश्चित तौर पर मुश्किलें जो है वो बेबी देवी के लिए बढ़ेंगी, आजसू के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये तय है कि जयराम को जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में डुमरी से प्यार मिला था, 90,541 वोट जो है उन्होंने लाए थे, और जबकि उनके सामने दो धुरंधर थे जो सांसद बने, CP चौधरी और मथुरा महतो JMM के, तो इन दोनों के सामने 90,541 वोट लाना, जबकि अगर आप देखें तो CP चौधरी को वहां से 55,421 वोट और मथुरा महतो को 52,193 वोट ही मिला था, और वहां पर जो इनकी लीड थी वो 35,120 की थी। वहां युवाओं का इनको भरपूर साथ मिला था, और चूंकि वहां पर जो कुर्मी फैक्टर है वो बहुत प्रभावी होता है, और लगभग 29.5-30% आप कह लीजिए कि वहां पर कुर्मी वोटर्स हैं, और इसके साथ जो एक मुस्लिम वोट होता है जब वो एड ऑन होता है, तो यही जगन्नाथ महतो की पूंजी थी, वो इसी के सहारे चुनाव जीतते थे। अब उसी फार्मूला को दोहराने की कोशिश जो है वो जयराम करेंगे, और इसलिए डुमरी का चुनाव अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। और अब आप ये मान कर चलिए कि एक ट्रायंगुलर फाइट तो आपको देखने को मिलने ही वाला है, क्योंकि
बेबी देवी लड़ें या उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ें, ये भी तय है कि आजसू का संभावित कैंडिडेट वहां होगा ऐसा लगता है, और इसके अलावा अब जयराम महतो। और तो अगर ऐसी परिस्थिति में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो कुर्मी वोटर्स बढ़ते हैं उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो किसे मिलता है, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके अंदर भी एक कन्फ्यूज़न होगा कि वो जेएमएम के साथ जाएं या जयराम के साथ जाएं, इस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। देखिए एक चीज ऐड ऑन हम करना चाहेंगे यहाँ पे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला इसलिए अब वहाँ होने जा रहा है कि पिछली बार राजू महतो उम्र के हिसाब से नहीं थे योग्य कि वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि राजू महतो ही देवी देवी की जगह पर चुनाव लड़ेंगे, तो दो युवाओं के बीच सीधे टक्कर होगी। तो ऐसे में कौन ज्यादा प्रभावी होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जरूर है कि जगन्नाथ महतो के अपने काम किए हुए हैं उस क्षेत्र में, उनके लोग अभी भी बने हुए हैं जो पार्टी और परिवार को समर्पित हैं, तो ऐसे में उन्हें जयराम को अपने पक्ष में करना होगा। तो लेकिन जब हम गिरिडीह में लोकसभा चुनाव के दौरान घूमते थे तब युवाओं का क्रेज जो है वो जयराम के प्रति था, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों या फिर महतो समाज के हों। वो कहते थे कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और जयराम में वो क्षमता है कि वो अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो अब जो दो युवाओं के बीच की टकराव है वो देखने को मिलेगी, त्रिकोणीय मुकाबला अब वहां स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। या और अब्दुल मोमिन रिज़वी है आसिया जी, अब्दुल मोमिन रिज़वी जो कि पिछली बार AIMIM के टिकट पर लड़े थे, इस बार वो उस पार्टी से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन एक उनका भी वहां प्रभाव रहा है। हालांकि बाई इलेक्शन में उन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव की आप बात कर लीजिए या फिर आप 2014 में चले जाइए, तो उन्होंने जो है 10% से ज्यादा वोट दोनों ही बार लाए हैं। तो अब चूंकि वो भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए मैंने कहा कि जो वहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि 20.5% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वहां पर हैं। तो वो किन की तरफ जाते हैं, बाई इलेक्शन में वो पूरी तरह बेबी देवी के साथ थे, अब उनके सामने 3 विकल्प होंगे, बेबी देवी हो या उनके बेटे जैसा कि अभी मदन जी ने बताया वो हो, जयराम हो या अब्दुल मोमिन रिज़वी हो। और इन सब के अलावा जो आजसू की कोशिश होगी वो होगी कि वो कुर्मी वोटर्स में जितना चंक निकाल सकता है वो निकाले, और जो अन्य जातियां हैं उनमें जो है वो ज्यादा वोट बल्क में अपनी तरफ करे, तो उसके लिए जीत का रास्ता खुल सकता है। इसलिए अब डुमरी के परिणाम पर कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत जोखिम भरा है। हालांकि जयराम ने जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया था, अगर वो उसे रिपीट करते हैं तब तो फिर उनके लिए एक तरफा जीत भी हो सकती है। चलिए तमाम फैक्टर पर हम बात करेंगे इन 6 सीटों पर एक एक करके, लेकिन फिलहाल जयराम महतो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब प्रत्याशियों की घोषणा की तो क्या कहा वो सुनते हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहाँ के प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगी। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रेम मार्डी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी कृति राज होंगे। बाकी आपके सवालों का स्वागत करते हैं। पूरे झारखंड चलिए कि 69 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ेगी, उसके बाद हम लोग प्रयास कि कुछ ऐसे चेहरे जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो अगर वो संपर्क करते हैं तो हम लोग पूरे 81 पे लड़ेंगे। देखिए दूसरे पार्टी से आएंगे नो डाउट शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जो हमारे पूर्व की कमेटी है, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम प्रखंड के अध्यक्ष कमेटी बनी है, उनसे एक बार रायशुमारी करेंगे। अगर वे रजामंदी देंगे, वह सहमति देंगे, तभी हम लोग इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। देखिए विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पर लड़े जाते हैं,
लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है। लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर था, लेकिन देश के मुद्दों के साथ मैंने राज्य के मुद्दों से पूरे देश को परिचय करवाया। लेकिन जो राज्य के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों के साथ होते हैं, इसलिए राज्य का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद में बैठे हैं और धनबाद का ज्वलंत मुद्दा अगर है तो कहीं ना कहीं आज विस्थापन है, कोल एरिया में जो नियोजन मुआवजा है, यानी एक उद्योग नीति, विस्थापन नीति और उसके सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति बने, उस स्थानीय नीति के आधार पर एक महत्वपूर्ण नियोजन नीति बने, ताकि इस राज्य के बनने का जो मकसद था तो देखिए कैंडिडेट मिलने पर जयराम महतो ने 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। फिलहाल जिन 6 सीटों पर जयराम महतो अपने कैंडिडेट उतारेंगे उन सीटों पर उनकी जीत कितनी सुनिश्चित होने वाली है, कौन कौन सी मजबूत सीट है जो जयराम महतो की पार्टी के झोली में जाएगी, हम लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। मदन जी, एक चंपई सोरेन की सीट जो है सरायकेला, फिलहाल अब बीजेपी में चंपई सोरेन चले गए हैं, अब वहाँ से जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, तो ये जो महतो फैक्टर है जिसके बल पर ये पार्टी आगे अब बढ़ने वाली है और ये कहा जा रहा है कि महतो फैक्टर ही इस पार्टी के साथ है, क्या इस मिथ को तोड़ते हुए सरायकेला में मजबूत दावेदारी देगी पार्टी? देखिए, जयराम महतो से हमारी बातचीत अब से ठीक थोड़ी देर पहले हुई है, तो हमने ये पूछा कि आपकी तैयारी झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्रों की है, तो उन्होंने कहा कि 70 प्लस, यानी कि 70 से अधिक सीटों पर वो अपने उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। तो ऐसे में जरूर है कि कोल्हान हो या फिर संताल हो या फिर पलामू प्रमंडल हो, जो भी झारखंड के चुनावी क्षेत्र हैं 81 विधानसभा क्षेत्र में से, उनमें से 10 या 11 पर ही वो चुनाव अपने उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारेंगे। तो ऐसे में अब ये तय है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो जिस वर्ग के वोटर हो, वहां उस तरह के उम्मीदवार जो है चयन कर अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवार देंगे। तो इसी कड़ी में अब सीधा चंपई सोरेन जो फिलहाल बीजेपी में शामिल हुए हैं और जो संभावना जताई जा रही है कि वो सरायकेला से ही अपना जो है चुनावी अखाड़ा में वो अपना भाग्य आजमाएंगे, तो फिर वहां पर सबसे पहले उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, प्रेम मार्डी उनके उम्मीदवार होंगे। तो जरूर है कि अब मंथन सामने वाले दोनों दलों को करना होगा, जो बड़े दल हैं चाहे जेएमएम हो या फिर बीजेपी हो, तो वो मंथन तो करेगी। क्या मुश्किलें हैं यहाँ रंजन जी, ये जो मार्डी, प्रेम मार्डी को उतारा है सरायकेला में जयराम महतो ने, और उधर चंपई सोरेन होंगे, अगर चंपई सोरेन सीट बदलते हैं तो ये बहुत कुछ मुमकिन है कि शायद उनके बेटे वहां से चुनाव लड़े, तो ऐसे में जो लगातार समीकरणों की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या समीकरण बैठते हुए दिख रहे हैं? देखिए, एक सवाल, जब से चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ा है तब से ये सवाल उठ रहा था कि चंपई सोरेन के खिलाफ कौन, हालांकि ये सवाल जेएमएम प्रत्याशी को लेकर जो है वो उठता था, लेकिन अब ये जवाब तो मिल गया है कि चंपई सोरेन के खिलाफ कौन, और ये नाम जो है आपको जयराम की पार्टी ने घोषित कर दी है, प्रेम मार्डी का नाम लिया है। और मैं उनके कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें से एक वीडियो में वो चंपई सोरेन पर बहुत आक्रामक थे और कह रहे थे कि उन्होंने जो है क्षेत्र के साथ ठीक नहीं किया, धोखा किया, इस तरह की बातें। तो वो बहुत आक्रामक होकर युवा हैं, वो लगे हुए हैं और पिछले कई दिनों से जो है वो इस चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर हम देखें सरायकेला में, अगर लोकसभा चुनाव में जयराम की पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा, अगर हम उसका आकलन करने जाएं, तो अब सरायकेला में जो है वो जयराम की पार्टी से, जो कि दामोदर हांसदा उस वक्त सिंहभूम से चुनाव लड़ रहे थे जयराम की पार्टी से, हालांकि वो निर्दलीय ही माने गए, तो उस समय उन्हें 29,143 वोट आए थे, मतलब कि सरायकेला में जो है वो उनका प्रदर्शन, जयराम की पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था, और इसीलिए मुझे लगता है कि यहां से जयराम ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और देखिए, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, ये आप मान सकते हैं कि जो जेकेएलएम के जो उम्मीदवार उतर रहे हैं उससे चुनाव परिणाम जो है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कुर्मी वोटर्स का
इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कुर्मी वोटर्स की हम बात करें तो लगभग 13-14% कुर्मी वोटर हैं, और आमतौर पर जो कुर्मी वोटर्स हैं सरायकेला में वो बीजेपी को वोट करते रहे हैं, और इन्हीं वोटर्स के सहारे बीजेपी हमेशा चंपाई सोरेन के साथ एक क्लोज फाइट में दिखती रही थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर कुर्मी वोटों में जो कि 13-14% है, अगर उसमें जो है वो सेंधमारी हो जाती है प्रेम मार्डी के द्वारा, तब जो है वो बीजेपी को परेशानी होगी, और यहाँ बीजेपी को परेशानी मतलब चंपाई सोरेन को परेशानी होगी। तो अब देखना है कि प्रेम मार्डी जो है वो कितने वोट यहाँ पर लेकर आ पाते हैं लोकसभा चुनाव में, जबकि आप आमतौर पर जो केंद्रीय मुद्दे हावी रहते हैं उसके बीच में अगर 30,000 वोट दामोदर हांसदा लेकर आ गए थे, तो ऐसी परिस्थिति में विधानसभा चुनाव में जबकि लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, वहां पर चंपाई सोरेन लगातार जो है विधायक बनकर वहां से निकलते रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जेएलकेएम की एंट्री से, प्रेम मार्डी के एंट्री से सरायकेला का चुनाव इंटरेस्टिंग बन गया है। और अब देखना होगा कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं उसमें से कितना बड़ा हिस्सा चंपाई सोरेन अपने लिए निकालते हैं, और बीजेपी का जो वोट शेयर था उसमें जो कुर्मी वोटर्स जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो जयराम की पार्टी की ओर थोड़े से झुके हुए दिखे थे, और यही वजह है कि उन्हें लगभग 29-30 हज़ार वोट वहां पर आ गया था, तो उसमें से जो है कितने वोट वापस चंपाई सोरेन की तरफ आते हैं, और इसी आधार पर जो है यहां के चुनाव का परिणाम तय होगा। तो बहुत दिलचस्प हो गया अब सरायकेला का भी चुनाव। मदन, ये जो सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है, अगर उसको गौर करें तो कोल्हान से भी, कोयलांचल से भी, और पलामू प्रमंडल से भी, संताल से भी, तो इन चारों जगहों से अपने प्रत्याशी को दिया है जयराम महतो की पार्टी ने, जेएलकेएम ने। देखिए कोल्हान में डुमरी में खुद जयराम महतो है, कोयलांचल से एक सीट, कोल्हान में सरायकेला को आप ले लीजिए, वहां से उनके प्रत्याशी की घोषणा हो गई, पलामू के छतरपुर से प्रत्याशी की घोषणा उन्होंने कर दी है, राजमहल से मोतीलाल सरकार होंगे, तो हर प्रमंडल को छूने की कोशिश की है, यानी कि एक तरह से पहली बार ये होगा विधानसभा चुनाव में ये पार्टी उतर रही है, लेकिन बहुत प्रभावी तरीके से उतर रही है, बहुत प्रभाव दिख रहा है फ्लोर पर। बिल्कुल, देखिए यही हमने कहा कि पहली पार्टी जयराम की पार्टी बन गई जो झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार बीजेपी की तैयारी है कि चुनाव की घोषणा से पहले वे अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर सकती है, लेकिन अब सबसे अगर ज्यादा कहें तो बाजी मार ली है जयराम ने, कि बिना किसी सोच के, बिना किसी भय के अपने नाम के साथ चुनाव मैदान पर उतरने की जो है घोषणा आज कर दी है। तो देखिए आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज नवरात्र, शारदीय नवरात्र की शुरुआत है, तो ऐसे में आज के शुभ दिन को उन्होंने चुना है, तो परिणाम भले ही आगे क्या होगा ये राज्य की जनता पर निर्भर है, किसे पसंद करते हैं, किसे अपना नेता चुनते हैं, लेकिन जरूर है कि जयराम की जो एंट्री की बात थी, जयराम की जो चुनावी घोषणा की बात थी कि आखिर लोकसभा के बाद उनका रुख क्या होगा, आज हमने बातचीत किया है उनसे कि क्या आप किसी के साथ गठबंधन के तहत भी जाने वाले हैं, तो साफ तौर पर जो है उन्होंने ये कहा है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और 70+ सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में जयराम देने वाले हैं।